मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर एक्सक्रिमिस्ट्री गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सरोई सर। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो 11th क्लास का टॉपिक है। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम लॉ डिस्कस करने से पहले हम एक बात बताएं आपको कि अगर हम एसिड ले लें और बेस ले लें और दोनों को आपस में मिलाएं, हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो मिलता है साल्ट और एक तो मिलता है वाटर। ये नई चीज़ जो साल्ट और वाटर मतलब बना एसिड और बेस को मिलाने से, इसी का नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर, जो वाटर और साल्ट बना, अगर उसको आपस में मिलाएं तो फिर क्या बनेगा? साल्ट और वाटर आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। इसलिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को स्टडी करने के लिए सबसे पहला लॉ आता है इसके बाद, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का। और इस लॉ को जिस बंदे ने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम था एंटोनियो लोएसियर। और ये लॉ 1789 में दिया गया है और एंटोनियो लोएसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी हम कहते हैं, यही लॉ देने के कारण। तो अब हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर, मैटर की जो केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना मास बनाया जाता है और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इफ मास ऑफ द रिएक्टेंट्स आर मेजर्ड बिफोर द रिएक्शन, मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रही है, जैसे यहाँ रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन हो चुकी है, रिएक्शन होने से पहले हम कार्बन ले लेंगे 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम लेते हैं, ये हमने मेजर कर लिया बिफोर द रिएक्शन। इफ मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये दो रिएक्टेंट है, आर मेजर बिफोर द रिएक्शन एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेजर आफ्टर द रिएक्शन, और प्रोडक्ट्स के मास जो हैं हम रिएक्शन के बाद अगर मेजर करें तो फिर क्या होता है आफ्टर रिएक्शन, देन इट हैज़ बीन फाउंड दैट, तो फिर क्या पाया जाता है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट, देखिए यहाँ पर मैं लिखा है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। बच्चों यहाँ देखिए, अगर ये 12 ग्राम कार्बन है, ये 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ये कार्बन का मोलर मास है और ये ऑक्सीजन का मोलर मास है, अगर इस दोनों को हम प्लस कर दें तो 32 और 12 44 बनता है, कार्बन 12 और एक ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है, तो 32 इसका है, 44 ग्राम ये मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करती है रिएक्शन। ये सच्ची ऐसी बात है कि जितना रिएक्टेंट का मास रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले था, उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आया। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू वेरी मच। नोट करिए और लिखिए, और अगर नेक्स्ट लॉ हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।